दाल फ्राई किस किस को पसंद है? चलिए आज बनाते हैं अरहर की दाल फ्राई। तो सबसे पहले हम इसको बॉयल कर देंगे, 3 सीटी में ये बॉयल हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। इसको फिर भी 95% तक गलाना चाहिए, पूरी गली हुई दाल नहीं अच्छी लगती। और उस मैंने इंडक्शन पे बनाया है, मैं गैस की काफ़ी बचत कर लेती हूँ इंडक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दाल फ्राई करना। तो सबसे पहले मैं जो रोज़ यूज़ करती हूँ कढ़ाई, उसको मैंने चढ़ा दी गैस पे और उसमें तेल डाल के तैयार हो गई है। अब सबसे पहले उसमें हम लहसुन डालते हैं, क्योंकि लहसुन का फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। लहसुन डाल देते हैं। आप बताइएगा आपको कौन सी दाल सबसे फेवरेट है आपकी? मेरी तो अरहर की दाल बहुत फेवरेट है, और सादा दाल भी बनती है लेकिन फ्राई दाल फ्राई भी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और फिर उसके बाद मैं जीरा डाल देती हूँ। वैसे तो सब लोग एक जैसा ही बनाते हैं, लेकिन कुछ मसालों का डिफरेंस, कुछ हाथ का डिफरेंस रहता है। फिर उसमें मैंने प्याज डाल दी, प्याज को भी गोल्डन ब्राउन करते हैं। उसके बाद थोड़ी तीखी खाते हैं ना, तो हरी मिर्च भी ज़रूरी है, हरी मिर्च भी डाल दी। ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं थी, मतलब मीडियम थी। फिर इन दोनों को भी हमें अच्छे से भूनना है जब तक ये एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है, पकाते रहना है। फिर एक थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, आप देख रहे हो ना जितना है इसको यूज़ करना है, इसमें से भी आधा इसको भी हमने घिस के आराम से डाल दिया है, ताकि ये भी अच्छे से उसमें फ्लेवर आ सके अदरक का। जैसे लाल मिर्च, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आप लोग भी डालते हो ना, उसमें देखने में बहुत अच्छा लगता है। मसाला अब रेडी हो चुका है, इसमें हम बॉयल की हुई दाल डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। और अब ये ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो फिर ये तैयार है खाने के लिए गर्मा गर्म दाल। ये रेडी हो चुकी है, लेकिन इसको 2 मिनट और ढक के रखना है। अब देखिए तैयार हो चुकी है, कितना अच्छा से गर्मा गर्म है। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लगभग 2 चुटकी डाल देंगे, इसका भी फ्लेवर अच्छा आता है। और इसके बाद ताजी हरी धनिया हो उसको बढ़िया से काट के इसके ऊपर डालिए, और फिर तैयार है हमारी फ्राई दाल। अब इसको हम चावल से, रोटी से, आपका जिससे मन हो उससे खाइए और मज़ा लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।